नमस्ते दोस्तों, हम कामायनी के ईड़ा सर्ग पर बात कर रहे हैं। मेरा नाम है नेहा और आप ये वीडियो देख रहे हैं प्रत्यंचा चैनल पर। कामायनी की सारी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप क्रमानुसार सारे वीडियो देख सकते हैं। बहुत से मित्रों ने ईड़ा सर्ग को जानने की, उसे समझने की बहुत उत्कंठा जाहिर की और इस सर्ग के हम दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज यहाँ तीसरा वीडियो आपके सामने मैं यहाँ पेश करने वाली हूँ। देखिए, अब तक हमने ये चर्चा की है कि मनु श्रद्धा को छोड़ करके बहुत खुश नहीं है। उन्हें ये विश्वास नहीं है कि जो निर्णय उन्होंने लिया है वो सही है या नहीं है, पर उन्हें वहां पर बहुत अशांत महसूस हो रहा था, इसलिए श्रद्धा को छोड़ करके वो चले आए। और जयशंकर प्रसाद, जैसे कि हमने कहा, छायावाद के कवि है, तो जो वर्णन करते हैं तो बहुत ही उन्मुक्त होकर के, बहुत ही प्रसन्न भाव से हर चीज का वर्णन करते हैं, फिर भले ही वो अंधकार क्यों ना हो। तो कहते हैं, जीवन निशीथ के अंधकार, माया रानी के केश भार। माया जब अपने जाल बुन रही होती है तो उसका केश भार है, उसकी केश राशि है, उस केश राशि में वो फिर अपने जाल बुनती है। तो अंधकार की उन्होंने कल्पना इस प्रकार से की है। तो अर्धरात्रि का जो अंधकार होता है, जीवन निशीथ के अंधकार, माया रानी के केश भार, इस प्रकार का अंधकार, इस प्रकार का तम उनके जीवन में फैला हुआ है। यो सोच रहे मनु पड़े श्रांत, श्रद्धा का सुख साधन निवास, जब छोड़ चले आए प्रशांत। वहां तो कितनी शांति थी, प्रशांति थी, श्रद्धा के साथ जीवन कितना सुखमय था, कितना शांत था, और आज वो उसका सुख साधन छोड़ करके, उसका घर निवास छोड़ करके आ गए हैं। यो सोच रहे मनु पड़े शांत, श्रद्धा का सुख साधन निवास, जब छोड़ चले आए प्रशांत। पथ पथ में भटक अटकते वे आए इस उजड़ नगर प्रांत। और पथ पथ भटकते कई दिन तक चल करके वो एक उजड़े हुए नगर में पहुंचते हैं। इस उजड़े हुए नगर का नाम सारस्वत है और इसी प्रदेश का अब मनु पुनर्निर्माण करेंगे। बहती सरस्वती वेग भरी, निस्तब्ध हो रही निशा शाम। और वहां सरस्वती नदी बह रही थी और आप देखें तो निशा रात्रि जो थी वहां चारों ओर फैली हुई थी, निस्तब्ध होकर के रात्रि वहां फैली हुई थी। नक्षत्र निरखते निर्मिमेश, वसुधा की वे गति विकलवाम। और नक्षत्र देख रहे थे ऊपर से कि वसुधा जो है, धरती जो है, वो अपनी धुरी पर चल रही है और सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर जो है वो पूरा कर रही है। जो उसको भूमिका सृष्टि ने प्रदान की है वो उसको पूरा कर रही है। वृत्तग्नि का वह जनाकीर्ण उपकूल, आज कितना सुना। धरती पर सरस्वती नदी बह रही थी और उसका जो उपकूल था, वहां तो जनसमूह होना चाहिए था, वहां तो कोई सभ्यता होनी चाहिए थी, और आप देखें तो वो बिल्कुल उजड़ा हुआ पड़ा हुआ था। वहां कोई मनुष्य नहीं था, वहां कोई प्रकार का जनसमूह नहीं था, किसी प्रकार के जीवन के होने का कोई सूचक वहां से नहीं मिल रहा था। वृत्रघ्नि का वे जनाकीर्ण उपकूल, आज कितना सूना। देवेश इंद्र की विजय कथा की स्मृति देती थी दुख दूना। और जब याद आता था कि इंद्र ने और देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त करके इस सृष्टि की परिकल्पना की थी, सृष्टि की रचना की थी, तो लगता था कि वो विजय तो कितनी खोखली रह गई। आज तो मानव फिर से सृष्टि से जूझ रहा है और जैसे उसे सृष्टि का पुनर्निर्माण आज फिर से करना है, तो ये किस प्रकार की विजय थी। वह पावन सरस्वत प्रदेश दुस्वप्न देखता पड़ा क्लांत। वह जो पावन सरस्वत प्रदेश था, वह आज दुख से परिपूर्ण यूं फैला हुआ पड़ा था जैसे उसमें जीवन का एक लेश मात्र कण भी न हो। वह पावन सरस्वत प्रदेश दुस्वप्न देखता पड़ा क्लांत, फैला था चारों ओर ध्वांत। और चारों ओर आप देखें तो कहीं कोई दिशा निर्देश नहीं मिलता था, ऐसे जैसे धुआं सा छाया हुआ था, ऐसे जैसे सब ओर एक प्रकार की का अंधकार था, एक प्रकार का तम था कि कोई संस्कृत चेतन से शासित संयमित होकर के निर्णय वहां करना असंभव था। आप जैसे खो से गए थे, उसमें अपना रास्ता भटक से गए थे, इस प्रकार की का अनुभव मनु को होने लगा। जीवन का लेकर नव विचार, जब तला चला द्वंद्व था असुरों में प्राणों की पूजा का प्रचार। उस ओर आत्मविश्वास निरत सुर वर्ग कह रहा था पुकार, मैं स्वयं सतत आराध्य आत्ममंगल उपासना में विभोर। यहां आकर के जयशंकर प्रसाद ईड़ा सर्ग में फिर से कामायनी को एक दार्शनिक मोड़ देते हैं। वो यूं कहते हैं कि जिस दिन से मानव समाज की रचना हुई है,
जिस दिन से कोई मानव पैदा होता है या अपनी चेतनता को प्राप्त होता है, उस दिन से उसके मस्तिष्क में उसके अंदर के असुर और उसके अंदर के देव में एक द्वंद्व सा चलता रहता है। असुर कहता है, क्या मेहनत, क्या जीवन और क्या जीवन के प्रति तेरी जिम्मेदारी, तुझे तो बस सुख साधन करना है, भोग विलास करना है। और वहां देव कहता है कि नहीं, तू तो ईश्वरत्व का एक कण है, तुझे अपनी उपासना करनी है, अपने कर्म से अपनी पूजा और अपना विकास करना है। और ये द्वंद्व हमेशा ही चलता रहता है। तो देखिए, यहाँ वो उस द्वंद्व की बात कर रहे हैं। जीवन का लेकर नव विचार, जब चला द्वंद्व था असुरों में प्राणों की पूजा का प्रचार, उस ओर आत्मविश्वास निरत सुरवर्ग कह रहा था पुकार, सुरवर्ग देवता, मैं स्वयं सतत आराध्य आत्म मंगल उपासना में विभोर। मैं तो स्वयं सतत आराध्य हूँ, मैं स्वयं का आराध्य हूँ, स्वयं का देवता हूँ और अपनी ही उपासना में पूजा में मुझे रत रहना चाहिए। उल्लासशील मैं शक्ति केंद्र किसकी खोजू फिर शरण ओर, मैं स्वयं उल्लासशील हूँ और मैं स्वयं एक शक्ति का केंद्र हूँ, मुझे किसी की शरण जाने की जरूरत नहीं है। आनंद उच्छलित शक्ति स्रोत जीवन विकास वैचित्र भरा, मुझे अपने जीवन का विकास करना है, भले ही वो कितना मुझे विचित्र प्रतीत क्यों ना हो। अपना नव नव निर्माण किए रखता यह विश्व सदैव हरा, और विश्व जो है वो सतत अपना नव निर्माण करता रहता है। विश्व की हर एक इकाई, उसमें उपस्थित हर एक मानव अपना नव निर्माण करता रहता है और इस मार्ग पर सतत अग्रसर रहता है। पर असुर की जो बुद्धि है वो क्या कहती है, प्राणों के सुख साधन में ही संलग्न असुर करते सुधार, नियमों में बंधते दुर्निवार। असुर कहते हैं जीवन के सुख साधन करने चाहिए, जीवन को सुख और विलास में व्यतीत करना चाहिए, और वो फिर नियमों से इस प्रकार से बंध जाते हैं कि अगर आप देखें तो उन नियमों को आसानी से हटाया नहीं जा सकता। ऐसे जैसे आपका जीवन मुक्त था लेकिन आप अपने ही बंधनों में स्वयं को बांधते चले जाते हैं और फिर उन बंधनों से छूटना आसान नहीं होता। था एक पूजता देह दीन, दूसरा अपूर्ण अहंता में अपने को समझ रहा प्रवीण। तो असुर तो कह रहा था कि हमें अपनी देह की पूजा करनी चाहिए और दूसरा अपने पूरे अहंकार में कह रहा था कि देखिए मैं तो खुद का ही देव हूं, लेकिन उसका ज्ञान अभी अपूर्ण था, उसको संपूर्ण ज्ञान नहीं था कि वास्तव में क्या मैं अपना देवता हूँ, वास्तव में क्या मैं अपने आप पर अपना संपूर्ण शासन चला सकता हूँ। तो इन दो शक्तियों में हमारे अंदर द्वंद्व हो रहा है। दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। दोनों अपने अपने हट पर लगे हुए थे। असुर कह रहा था कि सुख का प्रचार करना चाहिए, देह की पूजा करनी चाहिए, और देव कह रहा था कि नहीं, मैं स्वयं देव हूं और मुझे इस देव का विकास करना है। दोनों ही थे विश्वासहीन। देखिए, अगर आप सही मार्ग पर भी उद्यत होना चाहते हैं तो जिस दिन उस मार्ग पर पहला कदम रखते हैं तो उस कदम में संपूर्ण विश्वास नहीं होता। अभी आप आगे बढ़ करके देखना चाहते हैं, अपना काम करके, अपना कर्तव्य निर्वाह करके एक अपने लिए जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि मैंने सही कदम रखा है या मेरा कदम गलत पड़ रहा है, मैं सही राह पर अग्रसर हूं या मुझे राह बदलने की का प्रयास करना चाहिए। और इसी प्रकार जब कोई असुर प्रवृत्ति आपके अंदर कहती है कि आपको अपने सुख का साधन करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मन में ये टीस भी उठती है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने कर्तव्य के मार्ग से भटक करके इस सुख को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ना तो शुरुआत में असुर बुद्धि पूरी विश्वास में संपन्न होती है और ना ही दैवी बुद्धि, दोनों ही अभी अपने आप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जाता है कि जिस वाणी को फिर आप जितना सुनते हैं उतनी ही वो आपके जीवन में व्यक्त हो जाती है। खैर, ये तो स्वयं के समझने की बात है, लेकिन यहाँ कवि ये कह रहा है कि असुर और देव में पूरा यहाँ संघर्ष शुरू हो चुका था मनु के मन में। फिर क्यों ना तर्क को शास्त्रों से वे सिद्ध करें, क्यों होना युद्ध, उनका संघर्ष चला अशांत वे भाव रहे अब तक विरुद्ध। और वो तो संघर्षमयी रहे और उनका जो है एक प्रकार से युद्ध चलता ही रहा है, सृष्टि के प्रथम दिन से चल रहा है, मानव के पैदा होने से चल रहा है। और फिर शास्त्रों से उस तर्क को सिद्ध करते हैं कि मैं सही हूं कि वो सही है। मुझ में ममत्वमय आत्ममोह स्वतंत्रमयी उच्छृंखलता स्वातंत्रमयी, मेरे अंदर अपने आप से मोह है और उस मोह को ये लगता है कि वो स्वतंत्र है।
उसे किसी का पालन करने की, किसी की आज्ञा पालन करने की क्या जरूरत है। और वो स्वतंत्र जो है वो उच्छृंखलता करता है, जो मन करे वही करो, उसको अपने संस्कृत चेतन से शासित संयमित न करो, सोच समझ करके कोई काम ना करो। असल बुद्धि ये कहती है जो मन करे जिसमें मन का सुख हो बस वही कर लेना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर हो प्रलय भीत तन रक्षा में पूजन करने की व्याकुलता, हो प्रलय भीत तन रक्षा में पूजन करने की व्याकुलता। तो यहाँ प्रलय के मानी ये है कि जब मन अपनी उच्छृंखलता का पालन करता है, अपने उच्छृंखलता के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, तो उसे ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं विफल हो जाऊं, इतनी बुरी तरह विफल हो कि फिर मेरे जीवन में प्रलय आ जाए। तो प्रलय के इस डर से फिर से तन रक्षा में वो पूजन करने को व्याकुल हो जाता है कि नहीं नहीं, मैं अपने आप को पूजा में रत करता हूँ, मैं अपने ऊपर किसी शक्ति से आज यहाँ भयभीत होकर के ये निश्चय करता हूँ कि मुझे थोड़ी पूजा पाठ करनी चाहिए। तो ये असुर और देवी प्रकृति एक दूसरे के विरुद्ध हमेशा हमारे मन में रहती है। तो कह रहे हैं मुझ में ममत्वमय आत्ममोह स्वातंत्रमयी उच्छृंखलता, मेरे अंदर तो उच्छृंखलता है, मैं तो किसी भी बंधन से बंधना नहीं चाहता, मैं तो हमेशा स्वच्छंद रहना चाहता हूँ, अपने मन की करना चाहता हूँ। लेकिन फिर डर लगता है कि अगर सिर्फ मन की तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रलय आ जाए, जीवन में फिर कुछ ऐसा हो जाए जो हमें बिल्कुल भी अभीष्ट ना हो। तो फिर लगता है कि चलो थोड़ा पूजा पाठ, थोड़ा कर्तव्य निर्वाह कर लेते हैं। वह पूर्व द्वंद्व परिवर्तित हो मुझको बना रहा अधिक तीन, और ये द्वंद्व जो सृष्टि के निर्माण होने के साथ ही शुरू हो गया था, आज फिर से मेरे अंदर उठ करके मुझे दीन बना रहा है। दीन के मानी हमने पहले भी देखे, मुफलिस होना, गरीब होना, विपन्न होना। तो आज ये जो द्वंद्व है ना मुझे बिल्कुल क्षीण कर रहा है, मेरी शक्तियों को छीन रहा है, मुझे संपन्न नहीं अपितु विपन्न बना रहा है। सचमुच मैं हूँ श्रद्धा विहीन, और अब पहली बार उन्हें लगता है कि वो वाकई श्रद्धा विहीन है, श्रद्धा उनके साथ नहीं है, श्रद्धा को छोड़ करके वो गरीब हो गए हैं। और यह गरीबाई कोई पैसों के मामले में नहीं है, दिस इज एन एग्जिस्टेंशियल पॉवर्टी। उन्हें लगता है कि वो अपने अस्तित्व में दीन हो गए हैं, अपने अस्तित्व में विपन्न हो गए हैं, जैसे जीवन का सब सुख समृद्धि श्रद्धा के पास ही रह गया और वो उसे छोड़ करके आगे निकल आए। अब उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। देखिए ये भी एक प्रकार का यूं कहना चाहिए कि जिस तरह हम नाटक में देखते हैं, बड़ी नाटकीय ऐसी परिस्थिति यहाँ जयशंकर जी उत्पन्न कर रहे हैं कि मनु को एक आवाज सुनाई देती है। अब यूं तो कह सकते हैं आगे जाकर के कभी भी कहेंगे कि ये काम की आवाज है, उनके अंदर का काम बोल रहा है। लेकिन यूं देखिए तो जब हम किसी विषय को लेकर के बहुत अशांत होते हैं, उसके विषय में सोच रहे होते हैं, तो हमारे अंदर ही दो तीन तरह की आवाज खड़ी हो जाती है। हमारे अंदर मन में कभी एक आवाज नहीं होती है, और वो दो तीन आवाजें आपस में, एक आवाज अगर हम पर आक्षेप लगाती है तो दूसरा कहती है कि नहीं हम सही हैं, तो तीसरी कहती है कि अरे इस पहलू को तो तुम भूल ही गए। तो ये मनो के अंदर की सब आवाजें हैं, और अब एक आवाज उन्हें लगता है कि उठ करके उनसे कुछ कह रही है। वो आवाज कहती है, मनो तुम श्रद्धा को गए भूल, उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को उड़ा दिया समझ तूल, तुमने तो समझा असत विश्व जीवन धागे में रहा झूल, जो क्षण बीते सुख साधन में उनको ही वास्तव लिया मान। श्रद्धा को तो एक तिनके की भांति भुला करके तुम आगे आ गए, और उसमें कितना आत्मविश्वास था, कितना समर्पण का भाव था, उसने तुम्हें अपना जीवन दे दिया और तुम इसे भूल करके आगे आ गए हो, और तुमने तो ये सोचा कि बस सुख में जो पल बीत जाए वही वास्तविकता है, बाकी तो क्या करना है। वासना तृप्ति ही स्वर्ग बनी, यह उल्टी मति का व्यर्थ ज्ञान। तुमने सोचा तुम्हारी वासना शांत हो गई, तृप्त हो गई, तो बस यही सुख साधन है, और यही उल्टी मति, यही जो उल्टी बुद्धि तुम्हें आई, यही व्यर्थ ज्ञान है। तुम्हें लगा कि जो सुख मुझे श्रद्धा से प्राप्त करना था वो तो मैं प्राप्त कर चुका, अब तो मुझे और सुख की अनुभूति हो नहीं रही, तो चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। ये दुर्मति है, ये सही बुद्धि नहीं थी जो तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुई। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, तुम भूल गए कि तुम्हारा जो मार्ग है, तुम्हारी जो यात्रा है, उसमें नारी की एक बहुत बड़ी भूमिका है, उसमें वो एक बहुत बड़ा संबल तुम्हें प्रदान करने वाली है, और तुम उसे ही पीछे छोड़ करके आ गए। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी, अधिकार और अधिकारी की समरसता है संबंध बनी।
जब किसी चीज का किसी और पर अधिकार होता है तो वो उस पर अपना आधिपत्य नहीं जमाती, अपितु समरसता का संबंध होता है। जो अधिकार उस पर अपना दिखाना चाहता है, उसे जिस पर वो अधिकार दिखा रहा है उसे भी समझना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अधिकार जमा करके और उस पर अपना शासन करके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं। इस जीवन का जो मूल है वो है समरसता। अगर आप अपनी खुशी चाहते हैं तो उसमें दूसरे की खुशी भी शामिल होनी चाहिए। समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। आपको लगता है आपको अधिकार है किसी पर और आप उसके अधिकारी हैं, तो उसको भी उतना ही अधिकार है आप पर, वो भी आपका अधिकारी है। तो ये समरसता ही जीवन का सार है, उसका संबंध है। लेकिन तुम उसे भूल करके छोड़ करके आगे आ गए। जब गूंजी ये वाणी तीखी, कंपित करती अंबर अकुल, मनु को जैसे चुभ गया शूल। और जब यह वाणी उनके चारों तरफ गूंजी तो मनु को लगा कि उन्हें तो कोई तिनका चुभ गया है। यह कौन? अरे फिर वही काम, यह कौन? अरे फिर वही काम जिसने इस भ्रम में है डाला छीना जीवन का सुख विराम। पहले भी तो मुझसे काम ही बात करने आया था, मुझसे कहने आया था कि श्रद्धा को अपना ले, और आज फिर से आ गया है। पहले उसने मुझे श्रद्धा का मार्ग दिखाया, अब मुझे श्रद्धा से अलग किया और आप मुझसे छीन करके सुख विराम फिर मुझसे बात करने आ गया है। और वाणी तब भी मनु के ही मन के अंदर की थी, आज भी वही है, लेकिन उसको कवि ने काम का नाम दिया है। यह कौन? अरे फिर वही काम जिसने इस भ्रम में है डाला छीना जीवन का सुख विराम। प्रत्यक्ष लगा होने अतीत जिन घड़ियों का अवशेष नाम, वरदान आज उस गत युग का कंपित करता है अंतरंग, अभिशाप ताप की ज्वाला से जल रहा आज मन और अंग। ऐसे जैसे मुझे तो कोई श्राप मिल गया है, अभिशाप की इस ज्वाला में मेरा तन मन जल रहा है, और काम की इस वाणी से वो सभी क्षण जो बीत चुके हैं, जो मेरे अतीत में है, वो मेरे लिए पुनः प्रत्यक्ष हो रहे हैं, वर्तमान में आ रहे हैं, लेकिन अब उनका सिर्फ नाम बच गया है, मैं उन्हें फिर से भोग नहीं सकता। इस वाणी से सिर्फ जो मेरा सुख का बीता हुआ कल है मेरे सामने आ गया है, और जैसे वो मुझे चिढ़ा रहा है, मुझे ये बता रहा है कि अब मैं अभिशप्त हूँ, अब मुझे उस सुख का अधिकार नहीं है। ये वाणी क्यों मेरा अतीत लाकर के मेरे सामने खड़ा कर रही है? बोले मनु, क्या मैं भ्रांत साधना में ही अब तक लगा रहा? क्या मैं अब तक भ्रांत साधना में ही था? भ्रांत साधना, मैं साधना तो कर रहा था, पर क्या मैं किसी भ्रांति में था? क्या मेरा मार्ग निर्दिष्ट नहीं था? तुमने ही तो कहा था कि श्रद्धा के साथ रहो। क्या मैं भ्रांत साधना में ही अब तक लगा रहा? क्या तुमने श्रद्धा को पाने के लिए नहीं सस्नेह कहा? तुमने ही तो सस्नेह कहा था कि श्रद्धा को अपना लो, यही मार्ग सही है। मैंने तो अपना लिया, पाया तो उसने भी मुझको दे दिया हृदय निज अमृत धाम, फिर क्यों ना हुआ मैं पूर्ण काम। मनु कहते हैं, तुमने मार्ग दिखाया, मैंने श्रद्धा का साथ अपने साथ लिया और उसने भी अपना सर्वस्व मुझे अर्पण किया। अगर यही सही मार्ग था तो फिर क्यों मैं पूर्ण महसूस नहीं कर रहा था उसके साथ? क्यों अब भी मुझ में तृष्णा बाकी थी? क्यों अब भी मुझ में लालसा बाकी थी? क्यों अब भी मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ अपूर्ण रह गया है, और उसे पूर्ण करने की चाह में जब मैं आगे बढ़ा तो श्रद्धा को पीछे छोड़ करके आ गया। अगर श्रद्धा ही वो मार्ग थी, अगर श्रद्धा के साथ चलना ही सही था, तो फिर मुझे पूर्णता का एहसास क्यों नहीं हुआ? अगर होता तो मैं वहां से नहीं आता, तो क्या तुमने मुझे मार्ग गलत दिखलाया था? मनु, उसने तो कर दिया दान, वह हृदय प्रणय से पूर्ण सरल, जिसमें जीवन का भरा मान। उसने अपना सरल हृदय तुम्हें पूरा दान कर दिया। प्रणय से भरा हुआ था उसका सरल हृदय, प्यार से भरा हुआ था, उसने तुम्हें दान कर दिया, जिसमें चेतनता ही केवल निज शांत प्रभा से ज्योतिमान। उसमें केवल चेतनता ही शांत प्रभा से, बिल्कुल शांत ज्वाला से ज्योतिमान हो रही थी, जैसे श्रद्धा के मुख पर जो चमक कवि ने हमें बताई थी, अब वो बता रही थी कि उस हृदय में, श्रद्धा के हृदय में एक बहुत ही सरल सी चमक थी, जैसे वो अपने अंदर की शक्ति से, अपने अंदर की ऊर्जा से दे दीप्यमान थी, मनु के जीवन में ज्योति की एक किरण थी। पर तुम्हें तो पाया सदैव उसकी सुंदर जड़ देह मात्र, पर तुम्हें तो बस उसकी देह ही चाहिए थी। सौंदर्य जलधि से भर लाए केवल तुम अपना गरल पात्र, और उस सौंदर्य के समुंदर में उतर करके तुम सिर्फ एक पात्र भरकर लाए जिसमें आज जहर है। तुम अति अबोध अपनी अपूर्णता को न स्वयं तुम समझ सके। मार्ग गलत नहीं था, तुम अबोध थे, तुम अज्ञानी थे, तुम अपनी अपूर्णता को समझ नहीं सके कि वो अपूर्णता क्यों है मेरे में, और तुमने सोचा कि उसका स्रोत श्रद्धा है, वो तो तुम्हारी पूर्णता का स्रोत थी। परिणय जिसको पूरा करता उससे तुम अपने आप रुके।
श्रद्धा के साथ रहने का जो परिणय था वो तुम्हारे सारे लक्ष्यों को पूरा करता, और तुमने अपने आप को ही उसमें रुकावट खड़ा कर दिया, खुद ही उसमें तुम रुकावट बन गए। कुछ मेरा हो यह राग भाव संकुचित पूर्णता है अजान, तुम्हें तो लगा कुछ मेरा होना चाहिए और तुमने अपना सर्वस्व दान नहीं किया। तुम तो ऐसे मार्ग पर चल पड़े जहां तुम्हें ये लगा कि नहीं, तुम्हें दान नहीं देना है, तुम्हें तो अपने लिए कुछ ले लेना है। कुछ मेरा हो ये राग भाव संकुचित पूर्णता है अजान, मानस जल निधि का क्षुद्र यान। ये तो मानस के जल निधि का, मन के समुद्र का बड़ा ही तुच्छ सा, छोटा सा, नगण्य सा यान है। मन का जल निधि कभी भी इस बात में शांत नहीं होता कि सिर्फ वो ले, उसे उतना ही देना पड़ता है, उससे ज्यादा देना पड़ता है। और तुम सिर्फ लेने की चाह में थे, इसलिए अपनी अपूर्णता को समझ नहीं सके, और जिसके साथ तुम्हें पूर्णता प्राप्त हो सकती थी उसी को ही छोड़ करके तुम आगे आ गए। ईड़ा सर्ग पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। आप ये वीडियो क्रमानुसार देखते रहे, हमारी यही इच्छा है, आशा है। नमस्ते।